अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में नेताओं के बिगड़े बोल बहुत ही आम बात हो चुकी है, लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ से एक खबर सामने आई है जहां पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री का सामना कर सके, हम ही वो नेता हैं जो सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम लाठी लेकर तैयार हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सर भी खोल सकते हैं। ये वीडियो एक आम सभा का है जहां पर चरणदास महंत जनता को संबोधित कर रहे थे और संबोधन में इतना बोल गए कि उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रधानमंत्री का सर भी खोल सकते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लोग तरह तरह से इस पर अपनी विचार दे रहे हैं। बीजेपी ने भी चरणदास महंत को घेरने की कोशिश की है, लेकिन जब चरणदास महंत का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो चरणदास महंत ने बैकफुट पर आकर उन्होंने अपने इस बयान को किसी अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की। अभी जो लड़ाई है भैया, वो न तो भूपेश बघेल की लड़ाई, न चरणदास के, न डहरिया के, न देवेंद्र के, न राजेंद्र के, ये लड़ाई तुम्हार लड़ाई है, तुम्हार बेटा मन के लड़ाई है, तुम्हार लोग लड़का भविष्य के लड़ाई है। संविधान ना जे ढंग से मन छेड़ा थे, संविधान के जे ढंग से दुरुपयोग करा थे, और ये मन कमू के कामयाब तुमन कर दिया, तेहर आम चुनाव न खास चुनाव बन के रह जाये, ओकर बाद एको बार यहाँ तुम्हार वोटिंग होई कि नहीं होई हम नहीं कुछ कह सकन। एक बार मैं प्रार्थना करे आये हूँ, भाई मुला बुलाए जिसे आ जावे मोर गोड़ में लागे तब बोले मैं आये हूँ, और मैं तुम्हार करा प्रार्थना करे आये हूँ कि हमला पूरा छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा सीट भेजना है। ईमानदारी की बात ये है कि भूपेश भाई जब मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी से तो तुमन ईमानदारी से बतावा ओकर ले ज्यादा काम करने वाला एको जिन मुख्यमंत्री देखे रहेगा छत्तीसगढ़ ही मनबर, छत्तीसगढ़ के रहैया मनबर, छत्तीसगढ़ी बर, छत्तीसगढ़ी बासी बर है। अब कहा होते मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले पाते, हसदेव के जंगल कटत जात है। साय 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 हो गए, अब भैया हमन तो शुरू ले तुम्हार ही आज जात रहे, जब ले अध्यक्ष बने तब ले आज जात रहे। दुर्ग जिला पहली रिसे माँ तो हमर चौबे जी घर जात रहे, तुम्हार ही आत रहे, अध्यक्ष के रूप में बहुत बहुत आए हैं। अब एक बार मैं प्रार्थना करे आए हूँ, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। अब मानत हो या भैया तो सब भूपेश भाई ला भारी बहुमत से विजय दिलावा ताकि छत्तीसगढ़ में सब ले ज्यादा वोट ले जीत के जाए, तुम्हार रक्षा करे सुरक्षा करे, आने वाला दिन में तुम्हार बल खड़े हो रहे, चाहे दाई बहनी मन की इज्जत के सवाल हो, चाहे किसान मन की इज्जत के सवाल हो, चाहे नौजवान मन की इज्जत के सवाल हो, एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। बाकी मन सिधवा साध हुए, और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते है, सीव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फिट हस एक बार तोर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा,
और बाहरी बहुमत से जितावा, इतके प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। फिलहाल हमने सोचा कि हम ये आपके सामने रखते हैं और आपसे पूछते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ वन मिनट में।